नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एयरटेल मीडिया में लोन सर्विस का जो ऑप्शन था पहले रेफर लोन और अप्लाई लोन, तो रेफर लोन हटा दिया है, अप्लाई लोन का ऑप्शन लेकर आया। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अप्लाई फॉर लोन कैसे करें। सिर्फ एयरटेल मित्र रिटेलर के लिए सिर्फ ये ऑप्शन आया है, अदर्स भाई नहीं है। अगर कोई नॉर्मल नंबर से बीसी एजेंट बना है तो उसको अप्लाई फॉर लोन ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जिसको ये ऑप्शन नहीं मिला है वो बीएम का साथ कांटेक्ट करे, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है एयरटेल पेमेंट बैंक का उसके साथ कांटेक्ट करे। तो चलिए हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है एयरटेल पेमेंट बैंक में जो लोन है इसको अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोन अप्लाई ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। करने के बाद दोस्तों कुछ टाइम लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों आप देख सकती है एयरटेल पेमेंट बैंक विथ लोडिंग लोन प्रोवाइड एंड साइट ऑल योर नीड्स, पर्सनल लोन दोस्तों आपको देगा एयरटेल रिटेलर के लिए। दोस्तों अगर आप एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है और आपका पैसा कम है तो आप इस लोन को ले सकती है। चलिए हम इस जगह में पर्सनल लोन में क्लिक कर देंगे। पर्सनल लोन में क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें बताएगा, हाय अशोक मंडल, गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन, जस्ट नीड 5 डिटेल्स। तो इसमें आपको सबसे पहले लोन अमाउंट डाल देना है। मान के चलो मैं इस जगह में 20,000 कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसे मान के चलो 20,000 कर लिया हूँ। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कितना महीना आप देना चाहता पैसा। तो मैं इस जगह में 12 महीना कर लेता हूँ। 12 महीने करने के बाद मान के चलो 20,000 किया है तो 12 महीने में मेरे को 1,000 करके देना है। तो मैं इसको क्या करेंगे, 24 महीने कर देंगे। तो इस जगह में आपको पिन कोड डालना है, जो भी आपको पिन कोड है दोस्तों उस पिन कोड को डालना है। अभी आपको व्यू लोन में क्लिक कर देना है। इसमें दोस्तों आप देख सकती है, आप 20,000 का ऑप्शन में कंग्रेचुलेसन, ये लोन अप्लाई इजीली हो चुका है मेरा। और इस जगह में आप देख सकती है दोस्तों 20,000 का लोन जो ये जो कंपनी है अकीरा कैपिटल एडवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसे मैं आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें बता रहा है 5,000 में रनिंग फॉर 3,000 करके आपको महीना में देना पड़ेगा। मिनिमम अपलोड योर क्विक केयर फॉर्म, डोर स्टॉप डॉक्यूमेंट पिकअप चॉइस, योर प्लेस टाइम, नो हिडन फीस, ओरिजिनल फीस, क्लोजिंग फॉर पेमेंट फॉर इनवॉइस। इसमें बता रहा है बाद में आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आपको प्रोसेस करना है। जब दोस्तों आप प्रोसेस करेगा तो आपका पेमेंट जो है, आपका जो वॉलेट है दोस्तों, इस वॉलेट में शो हो जाएगा। होने के बाद आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों मेरे को लोन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ बताया हूँ कैसे आपको लोन अप्लाई करना है। और इस लोन लेने के लिए दोस्तों आपको इजिबिलिटी होना चाहिए। इसमें देख पा रहा है क्विक अप्रूवल, मिनिमम डॉक्यूमेंट, लो प्रोसेस फीस, इंस्टेंट डिजिटली कंप्लीट, सिक्योर प्लीज, फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स। दोस्तों मेरे को लोन नहीं चाहिए। इसमें बता रहे कंग्रेचुलेसन, मैं इजिबिलिटी हो चुका हूँ 20,000 रुपये का 24 महीने के लिए। तो मेरे को मिनिमम 1,000 समथिंग कुछ ज़्यादा चार्जेस लगेगा, जैसे कि आपको चार्ज देना पड़ता है, जब बोलो तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको मिनिमम 1,000 रुपया और मिनिमम कुछ 10 से 15 रुपये आपको देना पड़ेगा हर महीने में। तो आपको लोन इस तरह लेना है। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, मेरे को लोन नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आपको लोन चाहिए तो आप इस तरह फॉर्म फिलअप करना, तो आपको लोन जो है अप्लाई हो जाएगा। तो मैं बैक कर लेता हूँ। अभी आपको मैं बताने के लिए कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, इस लोन का ऑप्शन आपके पास नहीं आया है तो आपको क्या करना है। सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आपको और आना है। तो आपको कहाँ पे जाना है, माय ट्रेडिंग में जाना है। माय ट्रेडिंग में जाने के बाद, सॉरी फ्रेंड्स, माय ट्रेडिंग में नहीं, आपको जाना है कहाँ, मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को भी शायद पता नहीं है। मैं अभी आपको दिखाएंगे कहाँ पे जाना है। माय इन्फो में जाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे, यहाँ पे भी नहीं है। माय प्रोफाइल में जाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे, यहाँ पे भी नहीं। मोर प्रोफाइल में जाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे, इंग्लिश करेंगे,
और देखेंगे यहाँ पे है क्या नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर नहीं है दोस्तों, मैं आपको वीडियो को स्किप करके आपको पूरा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मिल गया है, आपको चला जाना है माई ट्रेडिंग में। माई ट्रेडिंग में जाने के बाद क्लिक करना है, इसमें सिलेक्ट करना है लैंग्वेज को, इंग्लिश में सिलेक्ट कर दिया हूँ। करने के बाद सबसे नीचे आपको डाउन करना है, कनाडा यूज़ में चला जाना है आपको। कनाडा यूज़ में जाने के बाद दोस्तों आप देख सकती है आप अगर एयरटेल का रिटेलर है तो 1-1-44 में कॉल करना है, मित्र आपका हेल्थ सपोर्ट में चला जाना है। नहीं तो दोस्तों आप डायरेक्ट इस जगह में देख सकती है 400 कॉल करना है एयरटेल के लिए, और अदर्स के लिए 8800-688-006 इस नंबर में कॉल करना। दोस्तों अगर आप एक रिटेलर है एयरटेल मित्रा का तो आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं मिला है तो आपको इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना है मेरे को क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों इस वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इस तरह वीडियो देखना चाहता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, फिर मिलते कुछ नए अपडेट लगे, बाय।